हे एवरीवन, वेलकम दिस पल बिल। लेट्स टॉक अबाउट गौरव तनेजा एंड रितु राठी, जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया है एंड बहुत स्मार्टली एक नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया है। कुछ दिन पहले ये फोटो पोस्ट किया गया जिसके कैप्शन में ये लिखा था, टू एवरीवन रीडिंग दिस, योर पेरेंट्स मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू सम टफ टाइम्स इन देयर मैरिज एंड माइट नॉट हैव इवन डिस्क्लोज्ड इट टू यू इमीडिएट फैमिली। मैसेज इज क्लियर, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने रिलेशन में नहीं घुसाया तो प्लीज हम कैसे घुसाएं। Every sensible person would understand this. और ये पोस्ट के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिले, Our parents also don't post videos of their kids crying on social media, just saying. Then एक कमेंट था, My family members then also don't post themselves on social media. जिसके रिस्पॉन्स में गौरव ने लिखा, भाई माना तेरे पेरेंट्स व्लॉगर नहीं थे, ना उस समय सोशल मीडिया था, बट शादी की वीडियो तो बनवाई होगी ना उन्होंने सबको दिखाने के लिए। तो एक्चुअल सवाल क्या पूछा जा रहा था, रिस्पॉन्स क्या था, खुद के व्लॉग्स को वो ऐसे शादी के टेप से कंपेयर कर रहे थे। एंड व्लॉगिंग इज वेरी डिफरेंट, आप एक वीडियो टेप से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली आपकी फैमिली ने कई सारी पर्सनल चीजें व्लॉग में दिखाई है और वो भी अननोन लोगों को, अपने इतने वल्नरेबल मोमेंट्स आपने ही शेयर किए थे। आपके बीच में झगड़ा क्यों हुआ था, इसका रीजन आप सोशल मीडिया पे मत बताओ, दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट आपका ये जो स्टांस देखने मिल रहा है कि लोग इंटरफियर कर रहे हैं आपकी लाइफ, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ओवर द इयर्स आपने ही बिल्ड किया है। ये इंटरेस्ट की वजह से इतने सालों से जब आपको फायदा हो रहा था तब तक सब ठीक था, बट सडनली You don't want this, तो obviously चीज ऐसा नहीं होगा। इन अभी इंटरनेट पे जब कोई अपना पूरा लाइफ डाल देता है ना, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि नेगेटिव अटेंशन से भी उन्हें डील करना पड़ता है। एनीवेज, इसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी गौरव जी ने डाला, वहाँ पे ही ट्राइड क्रिएटिंग अ नैरेटिव दैट सर्टेन लोग उनको जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं उनके अगेंस्ट। देयर इज अ सर्टेन ग्रुप दैट अटैक्स मी एवरी टाइम। उनको शायद ये सहन नहीं हो पाता कि एक सेंसिबल बंदा, एजुकेटेड बंदा, वो अपने कल्चर और धर्म के लिए हमेशा स्टैंड लेता। यहाँ पे उन्हें एक चीज समझना पड़ेगा, दैट ही इज एक्सट्रीमली फेमस, ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोअर्स है उनके, छोटी बात नहीं है। एंड दूसरी चीज ये कि ये पहले बार नहीं हो रहा कि किसी इन्फ्लुएंसर कपल के सेपरेशन के चलते उनको इतना अटेंशन मिल रहा है। आपसे भी कम फॉलोअर्स वाले जो कपल थे ना, उनका भी जब सेपरेशन हुआ था तब ऑलमोस्ट कई लोगों ने उनको अटेंशन दिया था। तो उनके केस में आप क्या बोलोगे, कौन एजेंडा चला रहा था। ही इवन सेड कि मीम पेजेस को मे बी लोगों ने पैसे दिए थे सो दैट उनपे मीम बने और वो वायरल जाए। सी हियर आई एम नॉट सेइंग दिस कि ये सब पॉसिबल नहीं है, अगर किसको टारगेट करना है तो लोग ये सब कर सकते हैं, पर फैक्ट ये भी है कि मेजॉरिटी लोगों ने इनके बारे में इसलिए बात किया बिकॉज ये जैसे हुआ था ना, दैट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, और ये इमेज खराब करने का एजेंडा है। ये पॉइंट ना पहले भी गौरव जी ने रेज किया था और उस वक्त पे ना कोई उनको इतना टारगेट भी नहीं कर रहा था, स्टिल उन्होंने ये थ्योरी बनाया था कि उनकी इमेज को टार्निश करने की कोई कोशिश कर रहा है। एट टाइम्स ऐसा लगता है कि इनके केस में इफ समवन सेज समथिंग अगेंस्ट दिस फैमिली या किसका कोई ओपिनियन है जो इनसे मैच नहीं होता, तो डायरेक्टली ही सेज कि एजेंडा चलाया जा रहा है। मीम पेजेस की वजह से अननोन लोग भी वायरल गए, जैसे वो बीच में 79 को हिंदी में क्या कहते हैं, वो क्लिप कितना वायरल गया। देन हार्दिक नताशा के डिवोर्स के वक्त भी मीम्स कई सारे बन रहे थे, तो क्या हार्दिक नताशा के अगेंस्ट भी कोई एजेंडा चला रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड वीडियो में ही इवन मेंशन कि लोग चीटिंग वाला जो नरेशन है ना, वो जानबूझ के स्प्रेड करने का ट्राई कर रहे थे। ये न्यूज पिकअप हुई तो पूरा नैरेटिव था कि रितु सैड है, वो रो रही है, वो पेन में है और मेरे को एक चीटर बना देगा कि मैं तो भाई चीट करता हूँ अपनी वाइफ को। पर वो जो रीजन था वो खुद रितु राठी के क्वेश्चन में हाईलाइट हुआ था, इस वजह से स्प्रेड हुआ। आपकी वाइफ ने ये स्टेट किया था दैट पति से मुझे छल कपट निंदन अपमान ही मिला है, सो सडनली किसने ऐसा बेसलेस रूमर नहीं फैलाया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गौरव जी से जो जो गलतियाँ हुई है ना, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे एंड कहीं ना कहीं वो सिर्फ वो चीज़ों का रिस्पॉन्स अपने वीडियो में देते हुए नजर आए जिसका एक्सप्लेनेशन उनके पास था। जो इश्यूज में उन्हें पता था कि वो गलत दिखेंगे या उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो टॉपिक्स को उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया। जैसे उन्होंने ये टॉपिक टच किया दैट उनकी बेटी का जो ईयर पियर्स हुआ था घर में और उसके बाद उनको हेट मिला था, आर्टिकल्स भी आए थे उनके अगेंस्ट, बट यहाँ पे उनका डिफेंस था कि हमारे धर्म में ये करते हैं। ईयर पियर्सिंग आई फील इज अ नॉर्मल थिंग, सब अपने बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को ना निभा सकते हैं, तो जिस भी आर्टिकल में इसे अब्यूज बताया गया था वो गलत था। पर यहाँ पे पियर्सिंग के दौरान एंड बाद में जो जो चीजें हुई ना, वो थोड़ा अजीब था। एक तो बच्चा रो रहा है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली रिकॉर्डिंग। सेकेंड चीज, पियर्सिंग के कुछ वक्त बाद ना मे बी राशि का एक साइड का जो होल है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था कान का एंड घर में ही उस वक्त ना कुछ थ्रेड डाल के उसे ठीक किया जा रहा था। तो उस मोमेंट पे भी ना उनकी डॉटर एक्सट्रीम पेन में थी, शी वॉज स्क्रीमिंग क्राइंग एंड स्टिल द कैमरा वॉज ऑन। हर पर्सन के लाइफ में ना कोई बचपन का मेमोरी होगा, शायद एम्बेरसिंग है या बहुत इमोशनल है एंड दे डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट और दे जस्ट वॉन्ट टू इरेज दैट मेमरी। पर इमेजिन आप वो कर ही नहीं सकते बिकॉज आपके पेरेंट्स ने वो वल्नरेबल मोमेंट्स को ना ही सिर्फ रिकॉर्ड किया पर सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो ये चीजों के बारे में लोग यहाँ पे मेनली सवाल उठा रहे हैं। आप फॉलो करो रिचुअल्स, नो वन कैन स्टॉप यू, बट कितना सही है अपने बच्चों को तब रिकॉर्ड करना जब वो एक्सट्रीम पेन में है या गिर गए हैं, हाथ टूट गया है एंड यू जस्ट वॉन्ट टू होल्ड द कैमरा एंड रिकॉर्ड देम। ये सारे पॉइंट्स को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। अभी ये कोई एजेंडा नहीं है, ये उनके व्लॉग में देखने मिला है, उसके बेसिस पे लोग सवाल पूछ रहे हैं। सेम पैटर्न पीपल फार्म के सवालों के दौरान भी उन्होंने दिखाया था। हुआ क्या था कि गौरव रील्स बनाए थे
जहाँ पे वो गाय की सेवा के बारे में बात कर रहे थे एंड वो इमोशनल एंगल के थ्रू अपने घी ब्रांड को पुश करने का ट्राई कर रहे थे। पीपल फार्म ने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया दैट आप गाय की सेवा कर रहे हो अच्छी बात है पर अगर आपको घी का ब्रांड बनाना है तो इसका मतलब ये है कि गाय को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा एंड जब उसके बच्चे होंगे फिर अगर मेल बच्चा हुआ तो उसका आप क्या करोगे, गाय जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसका आप क्या करोगे। बिकॉज अगर आपके पास इसका एक अच्छा सोल्यूशन है तो ग्रेट, डेयरी इंडस्ट्री इसे अपना सकती है क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे क्रुएल्टी हो रहा है। जनरली ओल्ड गाय को या उसके बछड़े को ना रस्ते पे बुरे हालत में छोड़ दिया जाता है या मीट इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है। कुछ समय बाद उनका एक वीडियो मुझे सुझाया गया जिसमें वो गौ माता करते हुए नजर आ रहे थे। गाय की सेवा करोगे तो सबकी पूजा हो जाती है। यहाँ पे गौ माता। इसके अलावा मुझे उनका कोई खासा वीडियो मिला नहीं जिसमें वो गौ पालन, गौ सेवा या गौ रक्षा से जुड़े नजर आ रहे हो। फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो घी का काम शुरू किया है। मेरे मन में कुछ सवाल उठे, मैंने उनको ईमेल करी जिसका जवाब आया नहीं, तो वही सवाल मैं यहाँ उठा रहा हूँ। देखिए, घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो जो उसका बच्चा होगा उसका आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे। और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है ताकि भारत भर की डेयरियां जो लाखों गाय बछड़े सड़कों पर हर साल छोड़ते हैं वो छोड़ना बंद कर सके। अगर गौरव अपने फैंस को ये बोल रहे हैं कि गाय की सेवा हो रही है इस वजह से घी खरीदना चाहिए तो क्या ये बात भी सच है कि वो मेल बच्चे को भी रास्ते पे नहीं छोड़ रहे या मीट इंडस्ट्री में नहीं बेच रहे। अभी आप में से कुछ उनके फैंस बोलेंगे कि हर गाय को शायद वो अपने फार्म पे रखते होंगे, तो अंडरस्टैंड ये घी जैसे ब्रांड्स का जो भी फार्म होता है वो इवेंचुअली ना दूसरे प्रोडक्ट्स भी लाते हैं, धीरे धीरे उनके फार्म में ना कई सारी गाय हो जाती है। अगर वो ये सोल्यूशन अपनाते हैं कि सबको रखना है, मेल बच्चों को भी रखना है, तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इट इज नॉट इजी टू हैंडल सो मेनी काउस। अमूल जैसे ब्रांड्स ही नहीं कर पा रहे तो गौरव जी कैसे कर रहे हैं, ये सवाल उठाया गया एंड इसका उनके पास कोई आंसर नहीं था इसलिए उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। अभी जो भी दूध घी कंज्यूम करते हैं वो कमेंट्स में एक्सप्लेनेशन देने मत बैठ जाना, डिफेंसिव मत हो जाना कि दूध घी भी खाना छोड़ दे, आपको कोई अटैक नहीं कर रहा, जस्ट एक सिंपल फैक्ट स्टेट किया जा रहा है कि डेयरी इंडस्ट्री क्रूएल है। यहाँ पे प्रॉफिट अगर किसको कमाना है तो क्रूएल आपको बनना पड़ेगा। पुराने वक्त में जैसे यहाँ पे काम होता था ना, अभी वैसा नहीं हो रहा एंड ये इंडस्ट्री को ना प्रॉपरली रेगुलेट करने की जरूरत है सो दैट एथिकल वे से जानवरों को ट्रीट किया जाए। एंड इनकेस कोई पॉलिटिशियन होता तो बोला भी जा सकता था कि जानबूझ के एजेंडा चलाया जा रहा है या फोर्सफुल इमेज खराब की जा रही है, पर इनके केस में जो ब्लॉग्स में दिखाई दिया या स्टेटमेंट ऋतुवाया सुनने में आया उस पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। एंड कोई बहुत पुराने ब्लॉग्स का रेफरेंस भी नहीं दे रहा था, कई जो क्लिप सर्कुलेट हुए वो जस्ट एक साल पुराने हैं। बीइंग सेड दैट, ये भी चीज अक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक मीडिया हाउस ने ना एक एक्सट्रीम एलिगेशन लगाया था इनके ऊपर दैट गौरव जो है वो एस्कॉर्ट्स के साथ पकड़े गए, अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ वो घूम रहे थे, रितु ने चैट्स पकड़े जहाँ पे वो पेड प्लेजर वालों से बात कर रहे थे, इस वजह से इनका झगड़ा हुआ, ऐसी कई अपॉलिंग चीजें बोली गई है। न्यूज 8 ऋतु राठी ने गौरव तनेजा को उसे धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ा एस्कॉर्ट्स के साथ होटल रूम। तो ये पॉइंट पे ये फैमिली का नाराज होना बनता है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो गौरव तनेजा का जो एक्सप्लेनेशन देखने मिला इस पे आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।